हम लोग सर्वे करा रहे नियोजन नीति के लिए, 7 लाख का आदमी का 5 तारीख से शुरू है। सरकार नियोजन नीति में, नियोजन नीति को लेकर के लगातार आवाज़ जो है वो अभ्यर्थी उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो ऑडियो और मैसेज है काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पहुंच रहा है। अब ना सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि अलग अलग लोग जो है वो इस ऑडियो और मैसेज तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के जब हमने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत की, आखिर इस ऑडियो से क्या कुछ फ़ायदा जो है वो सरकार को होगा नियोजन नीति बनाने में, तो सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हम लोग सर्वे करा रहे नियोजन नीति के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उससे भी सर्वे करा रहे, 7 लाख का आदमी का 5 तारीख से शुरू है ना जी। वो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में नियोजन नीति बनाएंगे, एक सर्वे कर लेते हैं कि लोगों को भाव क्या है, झारखंडियों को नियोजन होना चाहिए या बिहारियों को होना चाहिए या यूपी के लोग को होना चाहिए, ये तो स्पष्ट आ जाएगा ना। 7 लाख आदमी का सर्वे आ रहा, सरकार नियोजन नीति में यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एकदम फुल फ्लेजर में तैयार है। हम नियोजन कैसे करें, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें, एकदम फूल पलेजन में तैयार है। तो आपने यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर सरकार सर्वे करा रही है नई नियोजन नीति को लेकर के, आखिर नई नियोजन नीति किस तरीके से बने कि झारखंड के अभ्यर्थियों का हित हो सके, उनका जो हक और अधिकार है वो उन्हें मिल सके। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों के साथ साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। लगभग 7 लाख लोगों से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस आधार को यहाँ पर सरकार देखेगी, और उसके बाद फिर बजट सत्र के दौरान नई नियोजन नीति के साथ, फुल प्रूफ नियोजन नीति के साथ सरकार आएगी और अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात देगी। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।